नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तुरान और आप देख रहे हैं ANVNews.com। प्रदेश भर में कर्मचारी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते सरकार की वादा खिलाफी और अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में सिरसा के बिजली घर में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारी दूसरे चरण में प्रदेश के सभी डिवीजन कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 9 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। यदि सरकार फिर भी नहीं मानती तो किसी प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं करती तो 23 अक्टूबर को बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर सरकार फिर भी उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो आने वाले 30 अक्टूबर को प्रदेश का बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेगा। आज हमारा दूसरे चरण के अंदर आंदोलन है HSEB वर्कर यूनियन के बैनर तले। इसके अंदर सरकार को हमने पहले से नोटिस दे रखा था, गत 18 सितंबर को जो है पहले सब डिवीजन सत्र पर प्रदर्शन हो चुका है। सरकार ने फिर भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। आज दूसरे चरण में सभी प्रदेश के कार्यकारी अभियंताओं के सामने, कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद आगामी 9 अक्टूबर का हमारा कार्यक्रम जो रहेगा उसमें DC के माध्यम से ज्ञापन दिए जाएंगे। 23 अक्टूबर को ACS पावर जो पंचकुला में बैठते हैं उनके कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके उनको ज्ञापन दिया जाएगा। फिर भी सरकार यदि नहीं मानती है तो 30 अक्टूबर की हमारी हड़ताल होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार जो है अपनी कुंभकर्णी नींद को त्यागे और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के जो डिमांड चार्टर HSEB वर्कर यूनियन ने दे रखा है उस पर ध्यान देते हुए बातचीत के माध्यम से समस्याओं का निदान करें। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए ANV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।